हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम जो वीवीआई क्वेश्चन और इससे पहले जो बता दिए थे और आज आप लोग के लिए हम फिर से लेकर के आए हैं। इसमें आप लोग को जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 2 नंबर और 5 नंबर, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो हम बोल दिए थे 4.2 लेकर के आएंगे, इसके बाद जो है ना जैसे खत्म होगा वैसा ही हम 4.2 लेकर के आ जाएंगे। ये लास्ट है आज, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इंटीग्रेशन बारी बारी से इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स यानी कि 5 से 6 दिन में आप लोग को करा देंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी लगभग लगेगा 7 दिन, ठीक है। 7 दिन में आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है sin 3x (sin 4x) (sin 5x) दिया हुआ है। और यहां पर देखिए आप लोग को एक बात पता होगा, क्या चीज कि पहले तो इसको y बराबर मान लेना है, लेट करके मान लेंगे, ठीक है, मान लिए। इसके बाद देखिए आप लोग को पता है एक बात कि जब 2 गो इंटू में रहता है तो उसको हम पहला और दूसरा के नियम पर सल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर इंटू में 3 गो है, ठीक है, इंटू में 3 गो है, तो इसके लिए आप लोग को लॉग लगा करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग के कुछ फॉर्मूला आप लोग को साइड में लिखते हैं, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इस पर और बहुत सारा क्वेश्चन सल्व होता है। देखिए यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कि log m इंटू एन, ठीक है, यानी कि एक बात और क्लियर कर देते हैं, अगर इंटू में दिया हुआ रहे तो प्लस में, इंटू में दिया हुआ रहे तो प्लस में, मतलब गुना में दिया हुआ रहे तो प्लस में, अगर भाग में दिया हुआ रहे तो माइनस में, ठीक है, भाग में दिया हुआ रहे तो माइनस में। अब देखिए यहां पर इंटू में दिया हुआ है तो log m, ठीक है, और प्लस log n हो गया, log n प्लस में लिख दिए। अगर यही 2 गो वाला है, अगर 3 गो वाला फंक्शन रहेगा m इंटू एन इंटू पी, 3 गो वाला हो गया, तो इंटू में है तो इसको क्या चीज में लिखेंगे, प्लस में। तो देखिए log m प्लस log एन प्लस लॉग पी हो गया, लॉग पी इंटू में रहे तो प्लस में, लॉग लगा लगा कर सबको, ठीक है, प्लस में, अगर इंटू मतलब गुना में रहे तो प्लस में, यदि भाग में रहे, भाग में m बाई n रहे यानी भाग में, बटा के मतलब भाग में, तो भाग में रहे तो माइनस में, क्या चीज में, माइनस में, माइनस में लॉग एम माइनस लॉग एम, ठीक है, गुना में रहे तो प्लस में, ठीक है, और भाग में रहे तो माइनस में, ठीक है। इसके बाद आप लोग को इंटीग्रेशन के वीवीआई लाएंगे, उसके बाद एलपीपी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, देखते रहिए, पूरा पूरा देखिएगा, ठीक है, इसलिए कि आज इसको हम लास्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां 3 गो वाला है, तो पहले हमको चाहिए लॉग, अगर एक तरफ लॉग लगाएंगे तो ठीक बात नहीं, देना है तो दोनों के लॉग दीजिए, ना तो एक तरफा नहीं दीजिए, आप लोग समझ रहे होंगे बात। अगर कोई घर में 2 व्यक्ति है, एगो के दीजिएगा एगो के ना, तो एगो नाराज हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, देंगे तो दोनों को, तो क्या करेंगे, लिख देंगे टेकन लॉग बोथ साइड, ठीक है, जब भी लेंगे तो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log, क्या हो जाएगा, sin 3x (sin 3x) (sin 4x) (sin 5x), ठीक है, sin 5x, जितना है उसको लिख दिए, log लगा दिए दोनों तरफ, अब कुछ नहीं करना, एक स्टेप रुकिए, log y इक्वल टू, देखिए सब इंटू में है ना, तो क्या करेंगे, जब गुना में तो जोड़ में, तो log sin 3x प्लस log sin 4x प्लस log sin 5x हो गया,
सबको प्लस में लिख दिए है लॉग लगा लगा, ठीक है प्लस में लिख दिए। अब देखिए अब यहां पर लिखेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड टू एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ, तो देखिए डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट लॉग वाई, डिफरेंशिएट लॉग वाई इक्वल टू डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा लॉग, समझिए साइन थ्री एक्स प्लस लॉग साइन फोर एक्स और प्लस लॉग, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए देखिए लॉग साइन फाइव एक्स इसको लिख दिए, ध्यान दीजिए ठीक है इसको लिख दिया डिफरेंशिएट में। अब देखिए ये लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो लॉग का डिफरेंशिएट होता है ये लॉग के पीछे जो रहता है से बटा में, लिख दिए वन बाई पिछलगवा बटा में चल जाएगा पीछे वाला। अब लॉग के तो हो गया, अब वाई के, तो वाई के क्या होता है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, समझिए देखिए अब यहां डिफरेंशिएट करते हैं बारी बारी से करेंगे, पहले लॉग के तो क्या होता है वन बाई पिछलगवा तो कथी है पीछे साइन थ्री एक्स है, साइन थ्री एक्स हो गया ये लॉग के हुआ है वन बाई पीछे वाला। अब डिफरेंशिएट किसका साइन के, साइन के तो साइन के डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस, और जो इसके एंगल में वो दे दीजिएगा ठीक है, ये साइन के हो गया। अब किसका तो थ्री एक्स के, तो थ्री एक्स के क्या होता है तो थ्री होता है, हो गया। अब समझिए यहां नेक्स्ट स्टेप समझिएगा ध्यान से, लॉग के वन बाई पिछलगवा, वन बाई पिछलगवा माने एक पीछे जो होगा लॉग के पीछे उसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब किसका साइन के, तो साइन के क्या हो जाता है तो कॉस होता है, कॉस होता है, हो गया कॉस हो गया। अब किसका तो फोर एक्स के, तो फोर एक्स के क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक है प्लस। अब समझिए आगे लॉग के डिफरेंशिएट तो वन बाई पिछलगवा, वन बाई पिछलगवा हो गया। अब किसका डिफरेंशिएट तो साइन के, तो साइन के क्या हो जाएगा कॉस फाइव एक्स, कॉस फाइव एक्स। अब देखिए फाइव एक्स के क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट तो फाइव हो गया, फाइव आप लोग समझ गए होंगे ठीक है। देखिए अब इधर ई भाग में, बटा के मतलब भाग में, तो उधर क्या चीज में जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर आ गया, इधर आ गया। अब समझिए इधर आ गया वाई, अब यहां पर ई ऊपर आ जाएगा तो थ्री पहले लाइए और तब कॉस थ्री एक्स को लाइए, ई दोनों के लाए हैं पहले इसको और तब इसको, आप बटा में जानते हैं ना साइन थ्री एक्स हो गया। अब प्लस समझिए पहले यहां पर इसको लाएंगे फिर इसको इधर लाएंगे कॉस फोर एक्स और बाई, चलिए बाई साइन फोर एक्स हो गया प्लस। अब यहां ध्यान दीजिए फिर उसी प्रकार इसको भी लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस कॉस फाइव एक्स बाई साइन फाइव एक्स, जो बटा में उसको रख देते हैं उसी प्रकार बटा वाला के। अब देखिए अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, अभी वाई के मान क्या है आप लोग को पता होगा वाई बराबर, देखिए क्वेश्चन देखिए ना या ये सब है वाई के मान है ना, तो इसको क्या करेंगे यहां लिख देंगे क्या है साइन थ्री एक्स इंटू साइन फोर एक्स आ इंटू साइन फाइव एक्स, ठीक है इतना है ऊपर वाई का मान, तो वाई के जगह पर ये सब भर दिए, भर दिए। अब क्या हो जाएगा तनी ध्यान दीजिएगा ये तीन ठीक है आ कॉस बटा साइन तो सूत्र होता है कॉट, आ जो एंगल में बैठाइए ना थ्री एक्स हो गया प्लस, ये चार के चार लिख दिए आ कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट फोर एक्स ठीक है प्लस,
कि पांच के जैसे के तैसे लिखिए और कोस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट, और जो एंगल में है दोनों के वो लिख दीजिए, हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लॉग में पूछा जाता है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगला चैप्टर क्या चाहिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा बिंदास एकदम। चलिए आप लोग इसको थोड़ा देखिए, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब जो है आप लोग को इसके खत्म करने के बाद जो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो में, आप लोग वेट नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोग को जरूरत अनुसार तैयारी कराया जाएगा। रेगुलर एक वीडियो भेजेंगे ना तो लॉन्ग पूरा क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग से लेकर ऑब्जेक्टिव तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। ठीक है, इतना तक दिया हुआ है रूट में। ठीक है, रूट में दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, इजी है, आप लोग खाली हमारे नियम के फॉलो कीजिएगा। ठीक है, पहले तो लेट कह के वाई मान लीजिए, लेट वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर मान लिए, अब करेंगे क्या चीज से समझिए, आप लोग को पता है कि वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। ठीक है, जानते जैसे ही रूडवा हटेगा तो रूड के मान जो होता है पावर में वन बाई टू होता है। ठीक है, क्या होता है पावर में वन बाई टू, रूड के बदला में वन बाई टू, क्योंकि रूड के माने होता है पावर में वन बाई टू। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर जब ऊपर में है नीचे में है तो log m by n के रूप में है, तो इसको हम सर्व किस प्रकार करेंगे देखिए, आ एक तो ऊपर पावर में है। ठीक है, तो हम सब फिर टेकन log बोथ साइड। ठीक है, टू एक्स, अब हम सब क्या करेंगे, यानी कि टू एक्स नहीं होगा इसमें, देखिए टेकन लॉग बोथ साइड, अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो देखिए लॉग वाई इक्वल टू, देखिए लॉग फिर ये बड़ी ब्रैकेट घेर देंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। ठीक है, एक्स माइनस फाइव आ पावर में वन बाई टू, याद है जब लॉग लग गल रहता है तब पावर को क्या करते हैं पटकते हैं, माथा पर वाला के पटक दीजिए ना, पटक दिए तो देखिए क्या हो जाएगा वन बाई टू लॉग, देखिए ध्यान से वन बाई टू ये माथा पर वाला पटक दिया ना आगे, अब लॉग एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री और इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव, हो गया, अब ये लिख दिए, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां नियम के फॉलो होगा, पहले देखिए रूट के मान वन बाई टू रख दिए हैं, फिर वन बाई टू रखने के बाद हमको दोनों तरफ लॉग के जरूरत था, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कहला जरूरत था, क्योंकि देखिए ना इतना वो अगर एगो ऊपर रहता एगो नीचे तब ऊपर वाला नीचे वाला पर तो तोड़ देते, लेकिन यहाँ है क्या चीज, ऊपर वाला में दो गो नीचे वाला में तीन गो, ले डूब जाएगा हम लोग को, तो इसलिए हम लोग लॉग लगा दिए। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ेंगे किस प्रकार, लॉग वाई इक्वल टू वन बाई टू, देखिए लॉग ऊपर वाला सब एम हो गया और नीचे वाला एन, तो जब हम कहें ना कि बटर, पहले देखिए ध्यान दीजिएगा,
log, ठीक है, log m, m मतलब ऊपर वाला m, ठीक है। अब फिर कथी माइनस log n का है ना, भाग में रहेगा तो माइनस के चिन्ह, तो log, log देखिए x माइनस थ्री और x माइनस फोर और x माइनस फाइव, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए m log m और माइनस log en टोटल, ठीक है। लेकिन कैसे तोड़े, देखिए हम कह रहे हैं कि बटा यानी भाग में रहेगा, भाग वाला के माइनस में और गुना वाला के प्लस में, पहले बता दिए। तो ऊपर के m मान लिए तो m log m आई माइनस में log n टोटल। अब ध्यान दीजिए फेरे में नियम के फॉलो करना होगा, y बराबर वन बाई टू, ठीक है। अब देखिए log, अब e क्या चीज में है, गुना में, तो log इंटू वाला गुना वाला जोड़ में, जोड़ में लिख दिया है ना, जोड़ में। अब समझिए यहां बात के, माइनस इसको घेर के रखिए अभी तत्काल में एक स्टेप के लिए, ठीक है। अब बात करते फिर सब गुणमा में है, कथी में, गुना में, तब क्या करेंगे पहले ही बताइए। लॉग सबके जोड़ में लिखेंगे कि गुना वाला के जोड़ में आ भाग वाला के घटाओ में। देखिए जोड़ log x माइनस फोर और प्लस log x माइनस फाइव, कथी में लिखा गया, कथी में, सब जोड़ में क्योंकि सब गुना में था, ठीक है। अब समझिए log y इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू। अब देखिए log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू और माइनस log x माइनस थ्री आई वाला माइनस आ प्लस माइनस log x माइनस फोर और फिर माइनस प्लस माइनस log x माइनस फाइव हो गया। अब देखिए अब यहां से डिफ्रेंशिएट शुरू होगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड साइड टू एक्स, टू एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहां से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट लॉग वाई, लॉग वाई इक्वल टू वन बाई टू के बाहर, वन बाई टू के बाहर। अब डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट किसका, log क्या चीज x माइनस वन प्लस log x माइनस टू और माइनस log x माइनस थ्री और माइनस log x माइनस फोर और माइनस log x माइनस फाइव, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट पता नहीं माइनस सब कैसे हो गया, ये तो इनटू में था तो सब प्लस में लिख दिए थे गुना वाला के जोड़ में, लेकिन ये वाला माइनस से गुना होकर सब माइनस में चल गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग को पता है कि लॉग के डिफरेंशिएट वन बाई पिछला गवा, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वन बाय पिछला गवा हो गया। अब पिछला गवा के डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब इक्वल टू, अब बात करेंगे एकरा सबसे, ठीक है, वन बाई टू के वन बाई टू, वन बाई टू के वन बाई टू हो गया। अब पता है कि लॉग के डिफरेंशिएट, बारी बारी से सबके कर देंगे, लॉग के डिफरेंशिएट क्योंकि यहां डी बाई डी एक्स लग गया, सब डिफरेंशिएट, लॉग के डिफरेंशिएट वन बाई पिछला गवा, पिछला गवा हो गया ना, वन बाई पिछला गवा। अब पिछला गवा के डिफरेंशिएट, तो एक्स के डिफरेंशिएट क्या होता है, तो एक होता है, क्या होता है, एक। आ ई तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये क्या है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब प्लस, अब बगल में आ जाइए, आगे बगल में लॉग के डिफरेंशिएट, तो वन बाई पिछला गवा, वन बाई पिछला गवा, वन बाई
पिछला गवाह हो गया ई वाला, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएट लॉग के हुआ है वन बाई ई वाला, वन बाई ई पीछे वाला। अब इसका तो एक्स के वन होता है, एक्स के डिफरेंशिएट क्या होता है वन होता है, ई कॉन्स्टेंट था जीरो छोड़ देते हैं इसको, फिर प्लस। अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएट तो लॉग के वन बाई पिछला गवा, वन बाई पिछला गवा हो गया, वन बाई पिछला गवा ई वाला पीछे वाला। अब पिछला गवा के डिफरेंशिएट तो देखिए लॉग के वन बाई पिछला गवा इसका डिफरेंशिएट तो एक्स के क्या होता है वन, ठीक है, आ एक का ई कॉन्स्टेंट तो जीरो हो गया, इसको छोड़ देंगे ई कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया, माइनस तो माइनस, चलिए माइनस तो माइनस एक मिनट, प्लस प्लस और यहां हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह देख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए माइनस इसका डिफरेंशिएट तो लॉग के क्या आता है वन बाई पिछला गवा, तो वन बाई पिछला गवा हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट तो एक्स के एक एक और ई कॉन्स्टेंट था जीरो, माइनस माइनस फिर ई लॉग के डिफरेंशिएट तो वन बाई पिछला गवा, वन बाई पिछला गवा, ठीक है। और एक्स का डिफरेंशिएट तो एक होता है और ई कॉन्स्टेंट था जीरो हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए इधर ई अब चल गया भाग में तो इधर जाएगा गुना में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए वाई, ठीक है, इसको वन बाई टू के आगे ही कर देते वन बाई टू और वाई, अब जो बच गया उसको सबके लिखते हैं, एक्स से गुना कीजिए वन बाई एक्स माइनस वन प्लस, एक्स से गुना कीजिए वन बाई एक्स माइनस टू प्लस एक्स नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस वन से गुना कीजिए वन बाई एक्स माइनस थ्री, फिर माइनस वन से गुना कीजिए वन बाई एक्स माइनस फोर, फिर गुना करेंगे माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव हो गया फाइव। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात ना है, अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन बाई टू, ध्यान दीजिएगा अभी y का मान बैठाना है, ठीक है, किसका मान y का मान बैठाना है y का, तो y का मान कहां है से बताइए, तो y का मान तो ये वाला है ना, अब इसको बैठाएंगे यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो क्या है मान आप लोग को पता है लाइन से वन से लेकर फाइव तक, तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, अब बटा में एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ठीक है, ये हो गया। अब इस सब को बैठा देना है ध्यान से, चलिए बैठाते हैं वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू और माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, अभी वाला माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर और माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव, आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। यही सब लॉन्ग में क्वेश्चन देता है, देखिएगा बोर्ड यानी मॉडल सेट जो होता है उस समय देखिएगा बोर्ड सेट करके देता है क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा लेकिन थोड़ा जल्दी में, ठीक है। चलिए चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन जो है एकदम मॉडल सेट से लेकर के देखिएगा उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग को बुझाता होगा कि एक्सरसाइज बता रहे हैं ना, अरे मॉडल सेट में जो देख रहे हैं यानी कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है हम लोग भी तो गेसिंग करते हैं ना, उसमें भी मतलब जो सेट में दिया हुआ है मॉडल सेट से लेकर प्रैक्टिस सेट में सब क्वेश्चन को रखे हुए है, ठीक है। आप लोग के एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, दो गो वाला एड करके पूछ देता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ भी रहे, ठीक है। चलिए देखिए
एगो है एक्स के पावर साइन एक्स, ठीक है साइन एक्स, और प्लस में साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है इतना दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है यहां पर, आप खाली नियम को समझ लीजिए, वहां जाके एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो इसको वाई बराबर मान ही लेना है, मान लिए, ठीक है, यहां साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है, ठीक है। देखिए तो करेंगे क्या चीज, इसको इसको ना यू बराबर मान लीजिए एक्स के पावर साइन एक्स, ठीक है, एंड एंड इसको भी बराबर मान लीजिए साइन एक्स के पावर कोस एक्स, ठीक है ठीक है, साइन एक्स के पावर कोस एक्स मान लिए। अब देखिए तो वाई बराबर ई बताइए इसके जगह पर क्या माने हैं, तो यू यू, और बीच में प्लस के चिन्ह, तब प्लस, इसके जगह पर क्या माने हैं, तो भी बैठा दी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये आप लोग को ये वाला के जरूरत पड़ेगा, ठीक है, हल करने के बाद, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो क्या है u बराबर x के पावर साइन x, ठीक है। तो समझिएगा यहां पर पावर में कॉन्स्टेंट नहीं है, पावर में कॉन्स्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए लॉग के प्रयोग करेंगे। तो हम लोग टेकन टेकन लॉग लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए तो इधरो लॉग ले लिए लॉग u, और फिर इधर ले लिए लॉग x के पावर साइन x, दोनों तरफ लॉग ले लिए, इधर भी ले लिए और इधर भी ले लिए। अब क्या करेंगे, लॉग u बराबर, देखिए माथा पर वाला के पटकिए आगे, हाँ पटक दिए, चलिए पटक दिए, अब क्या हो जाएगा लॉग x, क्या हो गया लॉग x, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड टू एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट लॉग यू हो गया। अब इधर होगा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, लॉग के डिफरेंशिएट आप लोग को हमेशा बहुत क्वेश्चन बनाया है कि इसके पीछे वाला, हो गया पीछे वाला, अब इसका डिफरेंशिएट, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर, देखिए ये पहला ई दूसरा, ठीक है, तो पहला आ डिफरेंशिएट दूसरा, तो इसका डिफरेंशिएट वन बाई पिछला गवा, ठीक है, प्लस, अब देखिए अब दूसरा आ डिफरेंशिएट पहला, तो साइन के कथी हो जाएगा कोस एक्स, आप लोग को बहुत सारा बताया, देखिए पहला आ डिफरेंशिएट दूसरा, तो लॉग के वन बाई एक्स, प्लस दूसरा आ डिफरेंशिएट पहला, तो साइन के कोस एक्स। अब देखिए इधर ही भाग में तो उधर जाएगा, तो कथी में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, क्या चीज में, गुना में, तो ये ले आए, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, एक के दा डायरेक्ट एक लगा कर लघुत्तम ले लीजिए, ले लिए ध्यान दीजिएगा, एलसीएम जेकरा कहते हैं, एक्स आ गया। अब समझिए ई एक्स से एक्स में भाग देंगे, तो एक दा में एक से गुना कीजिए ना, तो साइन एक्स हो गया, और प्लस एक से एक्स में भाग देना, जब यहां पांच है, अगर एक से पांच में भाग देना है तो पांच दा में कटता है, दस है दस में एक से भाग देना है दस दा में कटता है, तो अगर यहां एक्स है एक से भाग देना है तो एक्स दा में कटेगा, ठीक है, तो एक्स से गुना कीजिए, लॉग एक्स और कॉस एक्स हो गया, लॉग एक्स और कॉस एक्स, बस एक स्टेप,
डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यू के मान आप लोग को पता है, यू का मान क्या है देख लीजिए यहां ध्यान से, एक्स के पावर साइन एक्स, देख लिए ना यू के मान, ये देखिए यू बराबर, अब यहां पर जो है उसको बैठा देंगे, साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, अब बटा में एक्स, ये इसका यहां पर वाला हो गया, ये डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब इसका एक और पार्ट निकालना है जो कि भी बराबर है, देखिए एंड करके, ठीक है, भी बराबर क्या दिया हुआ, भी बराबर देखिए साइन एक्स के पावर कोस एक्स, साइन एक्स के पावर कोस एक्स, फिर इसमें भी क्या करेंगे लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, तो देखिए टेकन टेकन लॉग लॉग बोथ साइड, ठीक है बोथ साइड, अब क्या करेंगे, अब लॉग दोनों तरफ लेंगे तो लॉग भी इक्वल टू लॉग क्या चीज साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, एक्स के पावर साइन यानी कि लॉग साइन एक्स के पावर कॉस एक्स जो है उसको हम लिख दिए। अब देखिए लॉग भी हो गया इक्वल टू जे पावर यानी कि माथा पर वाला यानी पावर वाला को पटकिए तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और उसके बाद लॉग साइन एक्स, साइन एक्स माथा पर वाला के पटक दिए आगे तो आगे आगे यानी कि पटके तो आगे आ गया कॉस एक्स और बाकी जो बच गया उसको पीछे रख दिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड साइड टू एक्स टू एक्स, अब देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग भी आइसकल टू डिफरेंशिएट क्या चीज कॉस एक्स और लॉग साइन एक्स हो गया, लॉग साइन एक्स। अब बहुत इजी है, अब समझिए ये लॉग के डिफरेंशिएट वन बाय पिछला गवा, ठीक है वन बाय पिछला गवा, आ फिर एक और डिफरेंशिएट पिछला गवा के तो डी भाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये पहला आ ये दूसरा हो गया, तो देखिए पहला आ डिफरेंशिएट दूसरा, तो पहले दूसरा में लॉग है तो लॉग के वन बाई पिछला गवा, ठीक है पीछे जो रहेगा से बटा में जाएगा है ना। अब डिफरेंशिएट पिछला गवा तो साइन के कोस एक्स हो गया, साइन के कोस एक्स प्लस अब देखिए पहला डिफरेंशिएट दूसरा तो एक डिफरेंशिएट वन बाई पिछला गवा आप पिछला गवा के डिफरेंशिएट कोस एक्स साइन के। अब देखिए अब यहां पर ही अब दूसरा दूसरा आ डिफरेंशिएट पहला तो कोस के डिफरेंशिएट माइनस में साइन एक्स हो गया, माइनस में साइन एक्स। अब समझिए डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू एने भाग में तो एने गुना में, अब देखिए कॉस एक्स आ ई वाला कॉस ए पर आएगा तो कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स आ प्लस देखिए प्लस माइनस ही क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स को आगे कर दीजिए आ ई लॉग आ साइन एक्स के पीछे कर दीजिए, ठीक है पीछे कर दिए डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई वी के मान कितना, वी के मान देख लीजिए क्या है देख लिए साइन एक्स के पावर कोस एक्स है ना। अब कुछ ना करेंगे ये हो गया कोस एक्स आ कोस बटा साइन होता है कॉट एक्स आ माइनस में साइन एक्स और लॉग लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स निकल गया मान। अब करना क्या है दोस्तों देखिए नाउ करके
नाउ करके किसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब दोनों के मान उठा कर रख देना है जगह जगह पर, तो देखिए देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देख रहे हैं ना, हाँ इसका मान देखिए, इसका मान यह है ना, क्या है देख लीजिएगा, x के पावर साइन x और बड़ी ब्रैकेट साइन x प्लस x log x cos x, ठीक है cos x अब बाई x, ये किसका मान हो गया, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स के, जोड़ के चिन्ह कहला, यहां जोड़ के चिन्ह है। अब इसका मान डी वी बाई डी एक्स के मान, तो डी वी बाई डी एक्स के मान तो यह है, तो इसको बैठाइए नीचे दिखाई दे देगा ना, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका मान है देखिए साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स और उसके बाद अटेगा नहीं यहां पर, ठीक है। देखिए साइन देखिए इसका मान हो गया साइन x के पावर cos x और उसके बाद cos x इंटू cot x, या यहां वाला है मान बैठा रहे, ठीक है। और माइनस साइन x log log साइन x, ठीक है, दोनों के जोड़ कर लिख दिए, आंसर हो गया। आप लोग को नीचे देखने में दिक्कत होता होगा, ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए क्वेश्चन, आप लोग को इसको ऑब्जेक्टिव में बताए थे, ठीक है। अब आप लोग को दो नंबर में क्वेश्चन में पूछता है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए साइन एक्स साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है, और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इस टाइप से क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको वाई बराबर दिया हुआ रहता है और इसको मान ज्ञात करने के लिए कहता है, तो ध्यान से देखिए एकदम इजी है, ठीक है, समझिएगा। आप ऑब्जेक्टिव में हम बताए ट्रिक के थ्रू, लेकिन आप लॉन्ग में देखिए, ठीक है, लॉन्ग में देखिएगा, सब कोई ध्यान दे रहे हैं। चलिए देखिए, पहले तो याद रखिए कि हम स्क्वायर लेते हैं, टेकन बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, इधर भी स्क्वायर लिए और इधर भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इधर भी स्क्वायर लेंगे, तो साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है, और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, एक कर स्क्वायर करेंगे, कर दिए, तो देखिए स्क्वायर से ई वाला रूट कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बराबर, वाई स्क्वायर बराबर देखिए साइन एक्स और प्लस एक का रूट खत्म हो गया है, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस इस प्रकार इनफाइनाइट तक हो गया। अब देखिए
समझ रहे ना, इसका स्क्वायर से इसका खत्म हुआ, इस सब के नहीं, क्योंकि पर बहुत रूड है, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स, साइन एक्स प्लस ये जो मान है से किसका मान है, वाई का मान है, देखिए वाई का मान है, तो वाई बैठा दिए, बैठा दिए, समझ रहे हैं आप लोग, वाई बैठा दिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड साइड टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड टू एक्स। अब यहां इधरों डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर अब बराबर डिफरेंशिएट इधरों कार्य करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका तो पहले पावर, ठीक है, पहले पावर और पावर में से एक घटाएंगे तो यह ना होगा, पहले पावर और पावर में से घटाएंगे तो एक गुना वाई होगा। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये अभी पावर का हल हुआ था, अब हो गया इसका, ठीक है, इसकल टू साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि ए पर ही आएगा तो यही ना हो जाएगा, समझ में आया। अब टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स। अब समझिए, अब इधर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं, क्या करेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, टू वाई माइनस क्या हो जाएगा वन, इतना बाहर चल गया वन, इधर हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब समझिए इधर ही गुना में तो इधर क्या चीज में जाएगा, भाग में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू वाई, सॉरी ऊपर में कॉस एक्स एक्स, देखिए इधर गुना में तो इधर भाग में टू वाई माइनस वन, टू वाई माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया, यही ना दिए थे शॉर्टकट में, ठीक है, यही ना है। चलिए इसको ध्यान से देखिए फटाफट सब कोई, चलिए देख लिए सब कोई, अब इसको मिटाते हैं। अब आप लोग ना कॉस रख करके, ठीक है, कॉस रख करके यहां पर और सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा माइनस साइन टू वाई और माइनस वन, ठीक है, बस वही थोड़ा चेंज हो जाएगा, आंसर सेम बनेगा, जो दिक्कत है बता दीजिएगा माने कमेंट करके, बस कुछ नहीं किए है, रूट चढ़ाए हैं तैरने वाला एक कर खाली खत्म हुआ है तो ये हो गया, आ इतना के मान जो है ना से ये वाला यहाँ रख दिए हैं, ठीक है, ये जैसे के तैसे है, आ ओकरा बाद क्या किए डिफ्रेंशिएट किए तो ये हो गया टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर साइन के कॉस हो गया आ ये वाई के डी वाई बाई डी एक्स, फिर इधर वाला इसको इधर लाए क्योंकि कर जाती इधर वाला तो इधर लाए में से कॉमन किए डी वाई बाई डी एक्स इन्हें कॉस एक्स और इन्हें गुना में तो इन्हें ही भाग, ठीक है। अब देखिए अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लाते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एकदम बिंदास वाला। देखिए क्वेश्चन है आप लोग को, चलिए क्वेश्चन है आप लोग को इसमें दिया हुआ कि एक्स बराबर ए ए कॉस टी प्लस लॉग 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 टैन टैन टी बाई टू, ठीक है, उसके बाद वाई बराबर भी दिया हुआ है वाई बराबर ए साइन टी, ठीक है, साइन टी, क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट है, ठीक है, एकदम बोर्ड मॉडल है। चलिए चलिए तो इसको शुरू करते हैं, ठीक है, थोड़ा बफरिंग मार देता है कभी कभी, वही देख लेते हैं, ठीक है,
चलिए देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड टू किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष जाइएगा क्योंकि सबके एंगल में टी है, ठीक है, टी के सापेक्ष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो यहां हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इसकल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर और डिफरेंशिएट कॉस टी और प्लस लॉग लॉग टेन टी बाई टू समझिएगा आराम से। डी एक्स बाई डी टी इसकल टू ए, और आप लोग को पता होगा कि कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है, माइनस साइन प्लस। अब लॉग का डिफरेंशिएट आप लोग को पता है कि लॉग का क्या होता है, तो वन बाई पीछे वाला हो गया, वन बाई पीछे वाला। उसके बाद ये लॉग के हुआ, अब टेन के, तो टेन के क्या होता है, तो टेन के होता है सेक स्क्वायर और तब टी बाई टू, ठीक है, जो एंगल में रहेगा उसको रखते जाएंगे, ठीक है, टेन के होता है सेक स्क्वायर टी बाई टू। अब बताइए टी बाई टू का क्या होगा डिफरेंशिएट, तो वन बाई टू, क्योंकि ये वाला टी यहां आ जाएगा तो टी डी टी से डी टी कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में एक और नीचे में दो। बात समझ में आया कि नहीं, देखिए फिर से समझिए, लॉग के वन बाई पीछे वाला अब पीछे वाला के डिफरेंशिएट टेन के क्या होता है सेक स्क्वायर, जो एंगल में दीजिए, अब टी बाई टू के क्या हो जाएगा वन बाई टू, क्योंकि ये टी उठ का ए पर जाकर कट जाएगा तो ऊपर वन बाई टू हो गया। अब समझिए डी एक्स बाई डी टी इसकल टू ए माइनस साइन टी, ठीक है, और प्लस वन बाई टेन के क्या होता है, देखिए टेन के सूत्र होता है साइन टी बाई टू बटा क्या हो जाएगा साइन टी बाई टू बटा कॉस टी बाई टू हो गया। अब यहां पर सेक के क्या होगा, तो वन बाई कॉस स्क्वायर और टी बाई टू, ये होता है सेक का फॉर्मूला, ये होता है टेन का फॉर्मूला, और इधर वन बाई टू था इसको हम आगे रख दिए, कोई दिक्कत, पीछे वाला के इसको आगे रख दिए, ध्यान दीजिएगा इसको, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। अब देखिए एगो से एगो कट जाएगा, ठीक है, एगो से एगो कट जाएगा तो डी एक्स बाई डी टी इसकल टू ए माइनस साइन टी और प्लस वन बाई टू। समझिए बात को, जब वन बाई हिया बच गया साइन टी बाई टू और यहां बच गया, समझिए बात को, यहां बच गया वन बाई क्या चीज, एगो से एगो कटा है या दू गो है स्क्वायर के मतलब दू गो, तो एगो बच जाएगा ना टी बाई टू बच गया। अब समझिए बात को डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी ए माइनस साइन टी और प्लस ध्यान दीजिएगा एकदम इस में गुना करेंगे एक ही ना होगा, एक हो गया और देखिए टू साइन टी इंटू कॉस टी इसका सूत्र होता है साइन टू और टी बाई टू। बात समझे कि नहीं, एक दौर समझिए फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है, तो साइन टू एक्स के, तो देखिए टू तो टू है, साइन तो साइन एंगल में टी बाई टू तो टी बाई टू रुकिए, आ कॉस तो कॉस टू साइन आ कॉस तो टू साइन कॉस एकदम है, इस किसका सूत्र है साइन टू एक्स के,
तो साइन टू आ जहां देखिए यहाँ टी बाई टू है, यहाँ दोनों में एक्स है तो एक्स, यहाँ टी बाई टू है तो टी बाई टू, और ई से ई कट गया, कट गया तो क्या बचेगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी और प्लस वन बाई साइन टी बच गया। अब क्या करेंगे समझिए बात को, देखिए अब यहां पर आप लोग को डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू समझिए ध्यान से समझिएगा माइनस, यहां इसको एक लगा कर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा साइन टी हो गया। अब ये एक से जब साइन में भाग देंगे तो साइन एदा में कटेगा तो साइन आई वाला साइन तो साइन स्क्वायर टी माइनस में समझिए साइन से एक से जब साइन में भाग देंगे तो साइन दा में आ फिर ऊपर साइन है तो साइन स्क्वायर टी यहाँ प्लस प्लस अब समझिए यहाँ साइन से इसमें भाग देंगे तो एक दा में कटेगा तो एक तो डी एक्स बाई डी टी आ इक्वल टू सीधा करके लिखिए वन आ माइनस में साइन स्क्वायर टी हो गया आ बाई साइन टी हो गया। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी आ बाई बाई साइन टी हो गया। ये आप लोग को डी एक्स बाई डी टी के मान निकला, एक बार रिपीट कर देते हैं देखिए बस सेम लिखे डिफरेंशिएट यहां करना है ठीक है। अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, लॉग का डिफरेंशिएट प्लस तो प्लस लॉग के वन बाय पीछे वाला ठीक है, और अब पीछे वाला तो टैन के डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर जो है से टैन बाई टी बाई टू के वन बाई टू वन बाई टू। अब देखिए माइनस साइन टी हो गया ये, अब इसको सूत्र के रूप में तोड़ दिए वन बाई टू के इधर लिख दिए आ टेन के साइन बटा कोस तोड़ दिए सूत्र पर, अब इस सेक के वन बटा कोस के स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, अब एगो से एगो कट गया तो एगो ना बचल है, बचल है ना स्क्वायर के मतलब दूगो बचल है आ ई वाला यह है ना आ ई बटा। अब समझिए ई जैसे के तैसे लिखते आ रहे हैं प्लस, अब देखिए दू साइन और ई कॉस तो टू साइन कॉस के सूत्र होता है साइन टू आ जे एंगल में है से तो दू से दू कट गया बचा टी वा। देखिए अब यहाँ लघुत्तम लिए लघुत्तम एलसीएम तो यहाँ हो गया ऐसी देखिए ना हम इससे भी में गुना करते तो साइन 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 स्क्वायर हो गया आ प्लस वन वन हो गया आ बटा में जो है उसको रख दी। अब वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर के सूत्र होता है कोस स्क्वायर टी आ बटा में साइन टी। अब देखिए अब ना अगेन या एंड करके y बराबर निकालेंगे एंड y बराबर तो क्या है y बराबर a साइन टी a साइन टी तो क्या हो जाएगा इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड टू टू टी के सापेक्ष टी के सापेक्ष ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कीजिए और डिफरेंशिएट करेंगे किसको साइन टी को ठीक है साइन टी को तो डी वाई बाई डी टी आ इक्वल टू ए आ साइन के डिफरेंशिएट क्या होता है तब कॉस कॉस टी क्या होता है कॉस टी, और आप लोग को ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स चाहेंगे तो यहां भी ज्ञात कर सकते हैं लेकिन दिखेगा नहीं तो पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए उसके बाद मिटा करके आगे सॉल्व करेंगे ठीक है। चलिए ठीक है ले लिए होंगे अब इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए देखिए इसको
अब यहां सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा चाहिए। चलिए इसमें हम डबल डिफरेंशिएट भी करके आप लोग को दिखा देंगे, ठीक है। देखिए देखिए, ज्ञात करना है यहां डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहां वाई वाला कहां है, तो यह है ए कॉस टी, है ना, वाई वाला, ठीक है। डायरेक्ट बैठा देते हैं, डायरेक्ट बैठा देते हैं। और ये एक्स वाला है, एक्स यहां है, एक्स वाला यहां है, ठीक है। तो एक्स वाला यहां है, क्या है, तो कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ठीक है, साइन टी। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस टी। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, आ गया। अब देखिए, ए देखिए यहां पर ई से ई कट गया, ठीक है, और ए से ए कट गया, ठीक है, ए से ए कट गया और एगो कोस से एगो कोस कट गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन साइन टी टी बाई एगो बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कोस टी, ठीक है, क्योंकि एगो से एगो काटा है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बटा कोस टैन टैन टी हो गया, टैन टी। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करके यानी डबल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा के लिए। देखिए अब इसको डबल कीजिएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर टी, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा डी टी बाई डी एक्स। अब इसका मान जो है यहां से आप लोग उलट का देखिए, ऊपर एक्स है नीचे टी है, और यहां नीचे एक्स है ऊपर टी है, तो इसको उलट करके इसको भी मान ऊपर है इसको नीचे, इसको ऊपर है इसको नीचे रख दीजिएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, क्योंकि अब अगला बार आप लोग को इंटीग्रेशन के लॉन्ग या इनवर्स के लेकर के आए, लेकिन लॉन्ग नेक्स्ट चेंज होगा अगला, ठीक है, अगला अब चेंज हो जाएगा टाइप। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स बराबर रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी साइन इनवर्स टी, और वाई बराबर दिया हुआ है रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी, ठीक है, कोस इनवर्स टी। और आप लोग को कहता है प्रूव करने के लिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स दिया हुआ है, ठीक है, माइनस वाई बाई एक्स, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है और इतना लाना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको हम सेकेंड मान लिए ऊपर वाला को फर्स्ट और नीचे वाला को सेकेंड, ठीक है, ऊपर वाला को फर्स्ट और नीचे वाला को सेकेंड। अब देखिए अब फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट और गुना कर देंगे सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए एक्स, ठीक है, एक्स गुना करते हैं दोनों को, एक्स वाई, अब इसको गुना करते हैं तो ए के पावर साइन इनवर्स टी हो गया इनटू रूट अंडर ए के पावर कोस इनवर्स टी हो गया, कोस इनवर्स टी। एक्स वाई बराबर एक्स वाई बराबर रूट अंडर, आपको पता है दोनों रूट में है, जब देखिए ए के पावर साइन इनवर्स टी और गुने ए के पावर कोस इनवर्स टी हो गया, दोनों के एक साथ कर दिए रूटे में तो है, अरे एक ही को रूट में रख दिए दोनों के। एक्स वाई बराबर
आधार से मतलब गुना के पावर जुटता है, तो साइन इनवर्स टी और प्लस कोस इनवर्स टी, ठीक है, पावर में है, ठीक है, आधार सेम तो पावर जुटता है, तो जोड़ दिए गुना के पावर जुटता है, जोड़ दिए ना इसको, देखिए ये दोनों सेम है तो इसको और इसको जोड़ दिए, जोड़ दिए तो एक्स वाई बराबर रूट अंडर, आप लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स एक्स और बराबर होता है पाई बाई टू, एंगल समान होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू, देखिए सेम एंगल होना चाहिए, एंगल सेम है, सेम है, देखिए तो इसका हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू इसका एंगल हो जाएगा, देखिए इसका और फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड साइड टू एक्स। अब इधर करते हैं, देखिए डिफ्रेंशिएट एक्स वाई और डिफ्रेंशिएट इक्वल टू में डिफ्रेंशिएट रूट अंडर ए के पावर पाई बाई टू, हो गया। अब समझिए, फिर से यहां दोहरा देते, समीकरण एक गुने दो किए, अब इससे इसमें गुना किए, ये वाला को यहां लिखे और गुने ये वाला को यहां लिखे, अब इसको सेम के सेम और दोनों रूट में है, एक सिंह अलग अलग रूट में एक के साथ रख दिए, आधार सेम तो गुना के पावर जुटता है, जोड़ दिए पावर दोनों को, दोनों पावर को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद इसका सूत्र जो होता है से पाई बाई टू होता है, तो यहां से डिफ्रेंशिएट, एनए वाला सेम है, ठीक है, इधर से डिफ्रेंशिएट किए और यहां आ गया, ये पहला ये दूसरा, तब पहला और डिफ्रेंशिएट इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा और डिफ्रेंशिएट पहला इसका, तब वन एक्स का वन अब बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो जीरो कांस्टेंट है तो जीरो, समझिए पहला के डिफरेंशिएट नहीं, पहला जैसे के तैसे डिफरेंशिएट दूसरा प्लस दूसरा के जैसे के तैसे और डिफरेंशिएट पहला, पहला के डिफरेंशिएट एक होता है, पहला देखिए पहला डिफरेंशिएट दूसरा प्लस दूसरा डिफरेंशिएट पहला, अब समझिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए इससे गुना कीजिएगा तो यहां पर देखिए प्लस वाई बराबर जीरो, इससे गुना करेंगे तो वही ना हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इधर प्लस में तो इधर माइनस में, अब देखिए इधर ये गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में वाई बाई एक्स, क्या चीज में माइनस में, देखिए इधर गुना में तो इधर भाग में, यही ना प्रूव करके लाना था, आप लोग को प्रूव हो गया, ठीक है, चलिए अब इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।